वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों फाइनली थलपति 68 का टाइटल अनाउंसमेंट जो है आज हो चुका है। टाइटल अनाउंसमेंट के साथ साथ फिल्म के मेकर्स ने जो है एक पोस्टर भी जो है यहां पर जारी किया है और फिल्म को वही टाइटल मिला है जो आप पिछले कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया पर सुन ही रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, वेंकट प्रभु द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म का टाइटल रखा गया है गोट, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वेंकट प्रभु हीरो। मतलब एक सुपरस्टार के लिए इससे बेहतरीन टाइटल और कुछ नहीं हो सकता था। और तलपति विजय का इंग्लिश टाइटल रखने का ये जो सिलसिला है ये आगे भी जो है यहां पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि पहले ही सभी को पता था वैसा ही हमें पोस्टर में भी देखने को मिला है। यहां पर तलपति विजय जो है हमें डबल रोल में नजर आ रहे हैं या फिर कहें दो डिफरेंट लुक्स में नजर आ रहे हैं। डबल रोल है, अलग अलग टाइमलाइन है, क्या है वो अभी पोस्टर से तो बहुत क्लियरली जो है यहां पर कहा नहीं जा सकता है। डेफिनेटली यहां पर जो डी एजिंग वाला लुक यहां पर तलपति विजय का देखने को मिल रहा है फोटो में काफी अच्छा नजर आ रहा है। इवन अगर आप देखोगे तो कद काठी में भी जो है एक नोटिसेबल डिफरेंस जो है आपको साफ नजर आएगा। यहां पर थलपति विजय का जो डी एजिंग वाला लुक है उसके अंदर उनकी जो बॉडी भी उन्हें दी गई है वो बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे वो जो है अपने इनिशियल डेज में नजर आया करते थे, दुबले पतले से नजर आया करते थे। बिल्कुल उसी टाइप का एक उन्हें जो है यहां पर लुक दिया गया है। बाकी अगर बात करें यहां पर इस पूरे पोस्टर की तो आपको ऊपर एक प्लेन नजर आ रहा है, नीचे पैराशूट से उतरते हुए यहां पर हमें दो विजय जो है यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइप की यूनिफॉर्म भी जो है दोनों ने पहनी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। अब वो किस काम के लिए है वो यहां पर क्लियर तो कहा नहीं जा सकता है। मे भी हो सकता है कोई रेस्क्यू हो सकता है, मे भी हो सकता है कोई एडवेंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो यहां पर क्लियर नहीं कहा जा रहा है। इवन यूनिफॉर्म के अंदर बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस भी जो है नजर नहीं आता है। केवल अगर पैंट को देखोगे तो वहां पर एक कैरेक्टर के जो है ज्यादा जिप्स हमें नजर आते हैं, दूसरे में जो है ऐसा कुछ जो है नजर नहीं आता है। तो ये अभी कुछ क्लियरली जो है यहां पर कहा नहीं जा पा रहा है। दूसरी एक चीज जो पोस्टर में ये मिस्टेक हुई है या फिर जानबूझ के रखी गई है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से पोस्टर के अंदर दोनों विजय एक दूसरे के अंगूठियों को एक साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि एक सीन का ये हिस्सा है नहीं। मे बी हो सकता है फिल्म के अंदर ये एक ही सीन का हिस्सा हो, मे बी ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर दोनों ही विजय की जो आंखें हैं उनके बीच में कोई तालमेल नजर नहीं आता है। भले ही ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ खड़े हैं, अपने मुठ्ठियों को जो है एक साथ जोड़ रहे हैं, बट दोनों की आंखों में जो है कोई तालमेल जो है यहां पर देखने को मिलता नहीं है। ऑब्वियसली दोनों चीजों को अलग अलग ही शूट किया होगा बट फील होता है कि हाँ दो अलग अलग शॉट्स को जो है एक साथ मर्ज किया गया है। अब वो जानबूझ के किया गया है, मिस्टेक है, वो तो जो है हमें बाद में ही कभी जो है पता चल पाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि पोस्टर से बहुत कुछ तो यहां पर पता नहीं चल रहा है, बट ऊपर जो प्लेन जाती हुई नजर आ रही है उसको अगर ध्यान में दोगे तो वो भी थोड़ी सी पुराने टाइम की ही नजर आ रही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये दोनों ही जो टाइमलाइन है वो आज से काफी पीछे की ही रहेंगी। पीरियड टाइम में ही जो है ये दोनों घटनाएं जो है शायद घटती हुई नजर आ सकती है। दूसरी तरफ यहां पर हो सकता है क्योंकि जो कैप्शन इसे दिया गया है, बाकी वेंकट प्रभु हीरो दिया गया है, एक बेटा है जो सेम कॉस्ट्यूम में शायद सेम तरीके का काम करने जा रहा है जो शायद उसके पिता ने किया हो, तो मे भी हो सकता है कि यहां पर तलपति विजय का जो बड़ा वाला जो कैरेक्टर है, जो पिता वाला कैरेक्टर है, वो कोई एक मिस्टीरियस कैरेक्टर हो सकता है। हो सकता है वो कभी काफी समय पहले जो है कहीं पर किसी एडवेंचर में या फिर किसी मिशन पे निकला हो और वो जो है वहां से गायब हो गया हो और उसी के साथ शायद कुछ सीक्रेट्स वगैरह हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो वहीं पर दफन हो गया हो। और हो सकता है कि उनके गायब होने के कारण शायद समाज में या फिर बाहर या फिर जहां पर भी वो काम करते थे वहां पर उनकी जो छवि है वो खराब हुई हो। हमें भी हो सकता है एक बेटा अपने पिता के मिस्टीरियस कहानी को जो है एक्सप्लोर करने के लिए निकला हो। और अभी जो है आप सभी को बताया कि फिल्म की जो शूटिंग है श्रीलंका में ही चल रही थी, विजय अभी चेन्नई में आए हैं पर श्रीलंका में जो है शूटिंग चल रही थी जितना मुझे पता है। तो वहां पर जिस तरीके के लोकेशंस वगैरह रहते हैं तो जंगल झाड़ियों के बीच में जो है फिल्म की कहानी जो है शायद चलती हुई यहां पर नजर आ सकती है। तो मे भी हो सकता है ये काइंड ऑफ एडवेंचर थ्रिलर जो है हो सकती है जिसके अंदर कमर्शियल एलिमेंट्स भी रहेंगे, पिता और बेटे का एक कनेक्शन भी रहेगा। बाकी ये तो सिर्फ एकदम एक पोस्टर लेवल पर एक अजम्पशन है, इसमें मैं कहीं नहीं कहूंगा कि 1% का भी जो है कंफर्मेशन है, कि जस्ट एक अजम्पशन है, एक कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन कह सकते हो। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे जो नए पोस्टर्स वगैरह आएंगे या फिर और कुछ कंटेंट आएगा तो एक क्लैरिटी जो है हमें आगे जाकर मिलेगी। और जब जब थलपति विजय की किसी फिल्म का पोस्टर नए साल के मौके पर रिलीज किया जाता है तो उसी साल हमेशा से ही जो है रात 12 बजे एक और पोस्टर जारी किया जाता है। अब वो होता है नहीं होता है ये तो हमें कुछ घंटों बाद ही, शायद आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो अगर तब तक अगर कोई अपडेट आ गई होगी तो मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगा। तो अक्सर तो होता ही है, इसके साथ भी मुझे लगता है पर्सनली ऐसा होगा पर पता नहीं। अभी तक अनाउंसमेंट जब मैं
वीडियो बना रहा हूं तब तक जो है कुछ नहीं हुआ है। वैसे ओवरऑल आपको ये पोस्टर कैसा लगा है, आपके क्या प्रिडिक्शंस बनते हैं यहां पर इस फिल्म को देखने के बाद, फिल्म की कहानी, फिल्म के सब्जेक्ट, फिल्म के प्लॉट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।